तुमके पास समाधान नहीं है, सृष्टि कैसे स्टार्ट होती है, तुम लोगों को सृष्टि का मूल ही नहीं पता है, तो तुम कैसे सनातन धर्म को अंत करने वाले उदय न्यूज स्टाइल आकर देखे तो वो प्रोटेक्शन में, पुलिस प्रोटेक्शन में, तो आओ ना बाहर, तुम लोगों को के लिए तो कॉन्फ्रेंस लगाना पड़ता है, मगर हिंदू के लिए कॉन्फ्रेंस नहीं आता, हैंगर में लटकाया शर्ट पहन के आ जाते हैं तुमसे लड़मेड़ के लिए। तुमको मुंह तोड़ जवाब इस वीडियो में देने वाली हूँ, और जो कॉमन मैन होता है तो अब तक उनका सर तन से जुता होती है, मगर तुम लोगों का इतना है क्योंकि हमारे धर्म गुरु आपके मुंह नहीं लगता है, लगना चाहते हैं, क्योंकि आप चंडाल लोग हैं, अचूत हो, तुम्हारे माइंड अचूत है, तुम्हारा कैरेक्टर अचूत है, इसीलिए तुम लोग चंडाल कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी सनातन धर्म में तीन चार ही वर्ण का प्रस्तुत किया है, कोई ये सुसुक का पांचवा वर्ण का बारे में कही नहीं है, और वो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर बोलने वाले, ये अंबेडकर का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में भी फोर ही टाइप्स ऑफ एस्टेट्स है। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि आप भी एक रियल टाइम रिपोर्टर बनना चाहते हैं, बच्चों के साथ आपके न्यूज़ सर्किल में आप हर बात पर चर्चा करना चाहते हैं, तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है RSR जस्ट भारत है। इसके लिए आपको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ आप निराश तो नहीं होंगे। बच्चों के साथ यहाँ पे पॉलिटिकल क्विज स्टोरीज का एजेंडा चलेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कीजिए, आपको मेरी बातें अच्छे लगे तो जय श्री राम लिखिए। धन्यवाद, नमस्ते। 2 दिन से लगातार नेशनल चैनल, न्यूज़पेपर्स, रीजनल चैनल्स में भी एक ही चर्चा हो रही है कि उदयनिधि स्टालिन जो प्राउड क्रिश्चियन खुद को कहता है, वो एक सेकुलर कंट्री में CPI ऑर्गेनाइज्ड जो कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट होकर उसने एबॉलिशन ऑफ सनातन धर्म को बारे में, और सनातन धर्म एक मलेरिया है, कोरोना है बोल के उन्होंने अब्यूज़ किया, तो इसको प्राउडली हमारा जो न्यूज़पेपर है दी हिंदू, जो हिंदू का नाम रख के भीख मांगती है वो हिंदू पेपर, और तेलुगु का साक्षी और दूसरा पेपर्स मैंने देखा नहीं, ये दो पेपर्स पेरियार का वंशज के जैसा उसको हाई लेवल ट्रिप क्रिएट करते हुए ये झूठ एक झूठ बोल रहे हैं और एक सच छुपा रहे हैं जनता के। ये CPI ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस था, उसका टाइटल ही एबॉलिशन ऑफ सनातन धर्म बोल के, तो एक ये टीवी डिबेट्स में हर कोई अपॉलॉजी मांग रहा है, मगर ये नहीं पूछ रहा है इस उदयनिधि स्टालिन को, एक MLA होकर, एक क्रिश्चियन होकर कौन होते हैं ये सनातन धर्म को उनका फ्लॉस को रेक्टिफाई करने वाला या मॉडिफिकेशन करने वाला कौन होता है। इतना सब कुछ बोलने वाला उदयनिधि स्टालिन आकर देखे तो वो प्रोटेक्शन में, पुलिस प्रोटेक्शन में, तो आओ ना बाहर, तुम लोगों को के लिए तो कॉन्फ्रेंस लगाना पड़ता है, मगर हिंदू के लिए कॉन्फ्रेंस नहीं आता, हैंगर में लटकाया शर्ट पहन के आ जाते हैं तुमसे लड़मेड़ के लिए। तुमको मुंह तोड़ जवाब इस वीडियो में देने वाली हूँ, और जो कर्नाटका होम मिनिस्टर है, जो कांग्रेस इसको ना सपोर्ट करते हुए सपोर्ट देते हुए, सब रिलीजन का कुछ ना कुछ कभी बर्थ हुआ इसका आइडेंटिटी है, तो सनातन धर्म कब पैदा हुआ, किसको पैदा हुआ, ये पैदा होने वाला नहीं है, ये धर्म है। तुम्हारा जैसा कोई मेरी वो बिना शादी करते ऐसा ये स्टोरी, या मोहम्मद एक पागल खुद घर से बाहर निकल गया, वो मोहम्मद का पागल का ये स्टोरीज नहीं है, ये ऐसा एक व्यक्ति से बना हुआ मोनोलिथिक रिलीजन नहीं है, ये धर्म है। तो सारे लोग इसका काउंटर करते हुए BJP के सारे प्रवक्ता और कुछ धर्म प्रवक्ता भी बोले कि सनातन धर्म है, सृष्टि से है, सृष्टि के साथ रहेगी, सृष्टि के साथ ही ये होगी बोल के उनको बोल रहे हैं। तो उनको समाधान करने के शायद उनके पास टाइम नहीं है, या इस चंडाल लोग ये परवर्टेड माइंड से समाधान करने के लिए वो खुद को अपना इतना नीचा नहीं गिरा सकते, रहना चाहते हैं इसीलिए समाधान नहीं कर रहे। मगर मैं इस चंडाल लोगों को खुद चंडाल हो बोल के मैं इस वीडियो में एक्सपोज करूँगी। उदयनिधि स्टालिन को
इनडायरेक्टली सपोर्ट करने वाले कांग्रेस, और क्योंकि कांग्रेस कर्नाटक में जीती है, उसका होम मिनिस्टर परमेश्वरन और मल्लिकार्जुन खड़गे उसका बेटा वहाँ पे नाच रहे हैं नंगा नाच, और इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, और खुद को रिजर्वेशन कैंडिडेट की वजह से वहाँ पे पार्लियामेंट में जाकर बैठने वाले ये चंडाल लोग, इनको मैं चंडाल लोग इसीलिए करती हूँ, गांधी जी गलती से इनको हरिजन बोल के सेंटर ऑफ द सिटी लेके आए, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग है, अगर टीवी के सामने आकर इक्वालिटी सोशल जस्टिस पहुँचने वाले, इन पर क्रिमिनल केस और कुछ भी केस हुआ तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्या करते हैं, ये ओपन सीक्रेट है, वो जाकर जजेस का पाँव पकड़ते हैं, नहीं तो मोदी जी का पाँव पकड़ते हैं। ये है लड़ाई इक्वल जस्टिस का, तब शर्म नहीं आती, अब शर्म आ रही है तुमको, सनातन धर्म के ऊपर शर्म आ रही है, इसलिए आप करना तो कन्वर्ट हो जाओ ना। कौन आप लोगों को मैं यही एक ही बात से पूछती हूँ, उदयनिधि सरल रेस बैक के लिए कन्वर्ट हो गया, तुम भी कन्वर्ट हो जाओ, क्यों तब तुमको रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि पावर में होना चाहते हो। अगर यही बात कोई कॉमन मैन होता तो अब तक उनका सर तन से जुता होती है, मगर तुम लोगों का इतना है क्योंकि हमारे धर्म गुरु आपके मुँह नहीं लगता है लगना चाहते हैं, क्योंकि आप चंडाल लोग है, अचूत हो, तुम्हारे माइंड अचूत है, तुम्हारा कैरेक्टर अचूत है, इसीलिए तुम लोग चंडाल कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी सनातन धर्म में तीन चार ही वर्ण का प्रस्तुत किया है, कोई ये सुसु का पांचवा वर्ण का बारे में कही नहीं है, और वो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर बोलने वाले, ये अंबेडकर का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में भी फोर ही टाइप्स ऑफ एस्टेट्स है, जो फिफ्थ टाइप ऑफ एस्टेट को उसको कहते हैं फिफ्थ कॉलमिस्ट, तुम लोग फिफ्थ कॉलमिस्ट हो, पढ़े लिखे अर्बन नक्सल परवर्टेड अचूत हो, इसको संस्कृत में चंडाल या अचूत बोलते हैं, तुम वही लोग हो, तुम कभी भी बदलने वाले है, चाहे कितना रिजर्वेशन दियो, चाहे तुमको कितना ही रेस्पेक्ट दियो, मौका आने पर तुम लोग यही करते हो। इस उदयनिधि स्टालिन का बाप भी दादा भी एक टीवी एक्टर्स के साथ सेक्स फेवर्स मांगने पर वो उस पर उनका सीबीआई राइट्स कराया, जब चीफ मिनिस्टर पोस्ट में आए उनका बेटा भी कई महिलाओं से के साथ उन्होंने गंदगी की, और उसका बेटा क्या शुद्ध इंटेलिजेंट आईएएस बनेगा, ऐसा ही कैरेक्टरलेस एमएलए बनेगा, वो उसने प्रूव किया। ये सनातनी है और सनातनी ही मरेंगे, मगर इन बीच में जो मिशनरी की वजह से इनका परवर्टेड माइंडसेट बन गई है और इस्लाम की वजह से इनका परवर्टेड माइंड बदल गई है, इन लोगों को दिक्कत हो रही है खुद को सनातनी मानने में, क्योंकि इससे अच्छा है गुलाम नबी आज़ाद ने कह दिया सारे कश्मीर पंडित कभी कश्मीर पंडित थे, बाद में इस्लाम में बदले, मगर उन्होंने भी अपना टंग ट्विस्ट करके बोल दिया, तो इस परवर्टेड माइंड सेट को कैसे क्लैरिफाई करो, तो तथ्य के साथ मैं इसमें क्लैरिफाई करते हो। अरे वो राइस बैग क्रुसेडर उदयनिधि स्टालिन और तुम्हारे मिशनरी के वालों से, और ये परमेश्वर जो कर्नाटका का होम मिनिस्टर हो, और खड़गे से पूछना चाहती हो, तुम लोगों का इतना परवर्टेड माइंडसेट है, इतना घमंडी लोग हो तुम लोग, इसीलिए ये प्रश्न पूछ रहे सनातन कब पैदा हुआ, सनातन को मार देने वाले, खुद में बॉडी में इतना इनइक्वालिटी से, एक हाथ में पांच उंगलियां है, इसमें इतने इनइक्वालिटीज है, इस इनइक्वालिटीज को जस्टिस नहीं दिला सकते हो, तुम क्या सोशल जस्टिस दिलाओगे तुम। मैं कहती हूँ हाँ, सोशल जस्टिस तुमको मिल जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा जब तुम मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे कद किन्हीं ग्रंथों में, ना ही कुरान में, ना ही बाइबल में, ना ही जैनिज्म में, बौद्धिज्म में, कहीं पे भी नहीं लिखा कि कैसा जन्म स्टार्ट होती है। तुम लोग क्रिश्चियनिटी या जैनिज्म बौद्धिज्म पैदा होने के बाद ही तुमने अपनाया है अपने परवर्टेड माइंडसेट की वजह से, और सनातन धर्म को टुकड़ा के वो ये धर्म अपनाया बोले तो तुम खुद अपना जन्म का वृत्तांत को ही गाली दे रहे हो, क्योंकि तुम लोगों के पास समाधान नहीं है सृष्टि कैसे स्टार्ट होती है, तुम लोगों को सृष्टि का मूल ही नहीं पता है, तो तुम कैसे सनातन धर्म को अंत करेंगे, क्योंकि सनातन धर्म तुम्हारे तुम हो,
रहोगे, जब तुम मरोगे तब जमर को इक्वल जस्टिस मिल जाएगी, सोशल जस्टिस मिल जाएगी, चाहे तुम हो या यूएस का प्रेसिडेंट हो, रशिया का पुतिन हो या सऊदी अरब का कोई उम्मा का लीडर हो, सब पैदाइशी सनातन है, क्योंकि ये शिव जी ने कहा हुआ सृष्टि का मंत्र है। तो पेटेंट राइट हिंदुइज्म को या सनातन धर्म को जाती है, तो तुम पैदाइश सनातन हो, जब तुम मरोगे तो तुम सनातन ही मरोगे। जो बीच में आया ये अब्राहम रिलीजन और बुद्ध जैनिज्म की वजह से तुम लोग 400 मत इस देश में आए हैं, चले गए, तुम्हारे फॉरवर्डेड माइंडसेट तुमको एक्सेप्ट करने नहीं दे रही है। बेट करती हूँ ये हिंदू बंधुओं को, सारे कुछ लोगों को भी नहीं पता है कि सनातन धर्म पहले से करता है, रहेगी बोल के बोल रहे हैं, मगर क्या है धर्म, क्या हो रहा है बोल के। तो आज मैं पूछना चाहती हूँ इन्हीं परवर्टेड मैन स्टेट अछूत अंधकुल चंडाल उदयनिधि स्टालिन और उनके चमचे पेरियार वर्द और ये कांग्रेस के चमचे से, तो तुम्हारे ग्रंथों से, हमारा ग्रंथ वेस्ट बोल के बोल रहा है, तो तुम्हारे बाइबल से, कुरान से, तुम्हारा जो भी ग्रंथ है उनसे निकाल कर बताओ, तुम जब तुम्हारे माँ के गर्भ में हो तो कैसा तुम्हारे सिस्टम चलना स्टार्ट हुआ, कैसे प्रूव कर सकते हो, मैं प्रूव कर सकती हूँ, तुम सनातन, तुम भी सनातनी हो, चाहे तुम हो या यूएस का प्रेसिडेंट या रशिया का पुतिन या किसी सऊदी अरब का उम्मा का लीडर हो, कोई भी हो, वो पैदाइश सनातनी है, क्योंकि ये शिव जी ने कहा है, ये शिव जी ने कहा है इस सृष्टि का रहस्य, क्योंकि त्रिमूर्ति का सिस्टम इस भारत सनातन धर्म में है, हम त्रिमूर्तियों को मानते हैं, ये फादर सन और होली गोस्ट का त्रिमूर्ति क्रिश्चियन ट्रिनिटी नहीं है, ये ब्रह्म विष्णु महेश्वर का त्रिमूर्ति संगम का देश है। इसमें शिवजी ने खुद कहा है सृष्टि का रहस्य कि हम जब माँ के गर्भ में पहले से हमारा सिस्टम कैसे स्टार्ट होती है, तो वो अजब गायत्री मंत्र की वजह से स्टार्ट होती है, कि वो उनको डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाते हैं, तो वो है अजप गायत्री मंत्र। ये अजप बोले तो अजप, हम कोई जप नहीं कर रहे, कोई मूल मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहे, मगर जब हम पैदा होते हैं तब से हमारे अंदर एक गायत्री मंत्र चल रही होती है, वो गायत्री मंत्र है अजप गायत्री मंत्र का एक धर्म होती है, वो धर्म तहां से शुरू होती है, जब हम सांस लेंगे तो ये जिंदा बोलते हैं, जब हम सांस लेना छोड़ देते हो मुर्दा बोलते हैं, तो ये इसका सृष्टि का रहस्य है, वो हमारे सिस्टम ऐसा ये किस प्रिंसिपल पर चल रही है, वो सनातन धर्म के प्रिंसिपल से, वो सनातन धर्म क्या बोल रही है, अपना सांस, ये सांस क्या बोल रही है, जब हम सांस छोड़ते हैं उसको हा बोलते हैं, उसका रिदम हा की तरह होती है, जब हम सांस छोड़ते हैं वो सा, तो ये अजब गायत्री मंत्र का नाम है हमसा, हमसा की वजह से हर कोई सनातनी है, हर कोई सनातन ही रहेंगे, हर कोई सनातन ही मरेंगे, क्योंकि इसको कहते हैं अजब गायत्री मंत्र, जो निरंतर हमको जब पैदाइश से हमारे सिस्टम चलाने वाले सांस को ही इस सृष्टि का रहस्य बोला है शिवजी। जब शिवजी चाहे तो आपसे छीन जाए तो आप मर जाओगे, तब अजब गायत्री मंत्र आपसे जब छीना जाएगा, तो गायत्री मंत्र वेदों का माता है, इसीलिए इसको अजब गायत्री मंत्र बोला है। ये हमसा का जो वर्णन योगा वासिष्ठ में वाल्मीकि जी ने और पतंजलि ने भी कुंडली योगिनी में वो सब बताई है, जब हम अपने सांस गए तो हमारे मोदी जी हर जून 21 को योगा दिवस इसीलिए बताते हैं ताकि आप लोगों को कुछ समझ। अरे राइस बैग उदयनिधि स्टालिन, क्रूसिफिकेशन वजह से जीसस उसी दिन मर गया, तो उसके लिए आपके लिए बाइबल आया, तो इस पर तुम इतना नाश करते हो, इस पुण्य भूमि भारत देश की पुण्य भूमि में भीष्म पितामह एक वरदान मारा गया कि उनको इच्छा शक्ति से वो मर सकते हैं, तो उन्होंने इतने बाण लगने पर भी उन्होंने अंपसाई में
श्री कृष्ण भगवान को विष्णु सहस्र नाम से प्रस्तुति करने पर उनका मन शांत हुआ। तब जाके 18 डेज के बाद उन्होंने खुद मरना स्वीकार किया। तब जाके मरा। वो कैसा पॉसिबल था? ये हमसा गायत्री मंत्र इन उन्होंने श्वास पर इतना कंट्रोल पाया कि वो स्पेस में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते, वो ब्रह्मास्त्र उपयोग कर सकते, इच्छाधारी मर सकते हैं। तुम लोग ये झूठी मोटी कहानियाँ लेकर मत आओ प्लीज, शर्म आ रही है आपको देखकर। हमसा का ये गायत्री मंत्र को तुम अगर पूजा यज्ञ यागाद करते हो जो फिजिकली कर सकते हो, ये पूजा नहीं करे तो केवल सांस पे कंसंट्रेट करो। इससे तुम उस लेवल पे पहुंच जा सकते हो कि यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट क्रिएट सकते हो, तुम इच्छा शक्ति से मर सकते हो। ऐसा शिवजी ने बताया सृष्टि का रहस्य। जब ये शिवजी ने बताए तो सनातनी धर्म हो तो हर एक इंसान इस जीव दुनिया में पैदा हो रहे जीव जाति में सांस लेते हैं, तो पैदाइश तुम सनातनी हो तो तुम खुद को कैसे मारोगे बेवकूफ उदयनिधि स्टालिन? परमेश्वर तुम जानना चाहते हो सनातन कब स्टार्ट हुआ? जब तुम्हारे दादा परदादा दादा दादा जिस जैस इस दुनिया में जब सृष्टि हुई तब से शुरू हुई है सनातन। इसीलिए हमारे गुरु को कहते हैं ता है और रहेगी बोल के, इसीलिए बोलते हैं जब हमारा सांस हो गया तो सब चला डिस्ट्रॉय। फिर एक वीडियो में फिर एक न्यूज टॉपिक पे आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपसे लेती हूँ मैं इजाज़त। जय हिंद जय भारत।